अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। मैं हसन अली और आप देख रहे हैं बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मोहम्मद इमरान उर्फ जग्गा साहब का, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। आपको क्रिकेट का शौक किस हद तक है? पहले दिन तक, मरने की हद तक। ठीक है, तो ये जो बरोगी चीमा की ग्राउंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो खत्म हो गई है? बरोगी चीमा के लिए मैं यही कहूँगा कि ये बदकिस्मत लोग हैं। जी जी, क्यों? इनके पास सब कुछ है लेकिन इनके पास सोर्सेज नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी स्पोर्ट नहीं किया किसी गेम में, ना फुटबॉल में, ना वॉलीबॉल में, ना बैडमिंटन में, ना क्रिकेट में। ये सिर्फ ना देखने की हद तक शौक रखते हैं। अगर लड़के इनको कहें कि कुछ करो जी, तो देन ये नहीं कर सकते। ठीक है, सही है ना? स्पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पोर्ट देखने की हद तक है। पैसा लगाने के से ये कचराते हैं, पैसा लगाने को इनका जी नहीं चाहता। ठीक, तो बता, मैं बरोगी चीमा वालों से डरता भी नहीं और इंटरव्यू देने से घबराता भी नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफर होगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आप कौन सी तंजीम को सपोर्ट करते हैं पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में किसको वोट देंगे? पॉलिटिक्स में मेरा तो हम नाम एक ही है। जी जी, तो जस्ट जो मेरा हम नाम है, जो मेरे मुल्क का कप्तान है, जिसने मेरे मुल्क को 1992 का वर्ल्ड कप दिया। जी जी, देन वो एक अच्छे आदमी है। ठीक है, ठीक है। उनके बारे में जिसने नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने जी जी, क्योंकि ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी। बिल्कुल, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो ही इज़ माय हम नाम। तो मैं तो उन्हें सपोर्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्राउंड के बारे में क्या राय है आपकी? ग्राउंड मिलनी चाहिए इस गाँव को या नहीं? इस गांव का बुनियादी हक है, जितने ये बड़े लोग हैं, जितना ये ग्लोबल विलेज है। जी जी, और जितनी इनकी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो उस लिहाज से तो आपको चाहिए सबको मिलके यूनिटी बना के जाएं और अपने अपने दोस्तों को अपने हक में आवाज़ उठाएं, हम राह ले जाएं और अपने हक में आवाज़ उठाएं, और ये जो इनका बुनियादी हक है ये इनको बना चाहिए। अच्छा, आपके लिहाज से पूरे गाँव में कितने घर होंगे? तकरीबन मैक्सिमम 5,000 के करीब। ठीक है, 5,000 के करीब। तो 5,000 में तकरीबन हर घर में कोई 2-3 बच्चे भी होते हैं, ऐसे ही है? 2-3 ज़्यादा मोस्ट। आबादी बढ़ गई, आबादी अब ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो सारे बच्चे आजकल जो हो रहा है हमारे गांव में, कोई किसी चौक पे खड़ा है, कोई किसी चौक पे खड़ा है, कोई नशे पे लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर ग्राउंड नहीं होगी तो फिर यही सब कुछ होगा। तो मामला तो ये जो है ये वो ज़्यादा खराब खराब हो रहे हैं, और इनको चाहिए कि ये जो अप लेवल पे कमर जावेद बाजवा तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े लोगों तक आवाज़ जाएगी तो फिर खान साहब के कानों में ये आवाज़ जाएगी कि भाई बरोगी चीमा एक विलेज है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जी जी, विलेज से भी ये बड़ा है, विलेज तो एक छोटा सा होता है, ये तो कस्बा है, टाउन है पूरा, ये तो समझ लें कि शहर ही है, मिनी अमेरिका है जी जी हमारा गांव, इसी तरह है। हाँ, और अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे बारे में यही है कि मैं बचपन से ही एक मजदूर आदमी था, तो मुझे मेरी माँ और बाप ने सपोर्ट किया पढ़ाई में, मैं पढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्रिकेट रिजवान की वजह से मैंने शुरू की, इनसे पहले मेरे रिजवान दोस्त थे, वो कप्तान थे टीम के, उनके इससे पहले सदाकत और आबाद और वसीम भाई और दीगर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक, तो मैं पहले मैं एक मेरे शुगलन पानी के तौर पर तमाशे के तौर पे आया करता था, फिर मुझे मैं एक मशहूर जो है पर्सनैलिटी बन गया, फिर मैंने कमेंट्री शुरू की, फिर मैं प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड
डीएन बना, फिर डीएन से मैं डिस्ट्रिक्ट में गया। अब मेरे पास तकरीबन जितने भी स्टेडियम हैं, गुजरांवाला है, गुजरात है, इंडिया है, तकरीबन जितनी भी क्रिकेट है गांव की क्रिकेट के लिहाज से मैं फादर ऑफ क्रिकेट के लकब से मशहूर हूँ माशाल्लाह। तो देन मैं अपने बारे में क्या कहूँ, अपने बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी औकात से बढ़ के अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, तो देन मैं अल्लाह को डेडिकेट करता हूँ अपनी रिस्पेक्ट। ठीक है, रसूल हो तो मंतशा हो तो जिलो मंतशा अच्छी बात कही है। अच्छा ये ना इंग्लिश में भी आपको कमेंट्री करके सुनाएंगे आप ना, थोड़ी सी जिस तरह आप मैच के दौरान बोलते हैं उस तरह हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शारजा ग्राउंड, व्हाट अ फैंटास्टिक ग्राउंड दैट इज, आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज शारजा इज ऑलवेज माय फेवरेट ग्राउंड एंड पाकिस्तानी कैप्टन वन इट आसन दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट इमीडिएटली जीत कर कर कम्स इन क्रॉस स्वंप पर बोर्ड ऑफ प्रीति हाय एंड दे एट द से ह्यूज हेड टिपिकल शाहिद अफरीदी स्ट्रोक फॉर सिक्स मैसिव ब्लो। ठीक है, शुक्रिया बहुत।